ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार ईश्वरीय मधुर महावाक्य हैं 1 सितंबर 2023। आज की मुरली के सार में बाबा कहे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर स्वयं को बिंदी समझ ज्योति बिंदु स्वरूप बाप को याद करना है। और याद करने की विधि बताई कि बुद्धि का योग अभी हद के बाप से तोड़ना है। सारी दुनिया के जो मित्र संबंधी हैं, बल्कि इस देह को पुरानी दुनिया को सबको भूलना है। फिर कहा कि जब बच्चे समझते हैं निश्चय बुद्धि बनते हैं तो कहते हैं, बाबा हम आपके बच्चे हैं, कल्प पहले भी आपसे मिले थे, आपके बच्चे बने थे। बच्चे निश्चय से कहते हैं, बाबा आपने जो ब्रह्मा तन में आकर अपना परिचय दिया है हम आपके हैं। बाबा भी कहते हैं, बच्चे तुम हमारे हो। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आती है। फिर बाबा ने निश्चय बुद्धि बच्चों के पुरुषार्थ की निशानी बताई कि उनको सदा यह नशा रहता है कि हम नर से नारायण बनेंगे, हम बाबा से पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे, हम तख्त नशीन बनेंगे। बाबा कहते जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वह छिपे नहीं रह सकते, वह बड़े मस्त रहते हैं। और लास्ट में कहा कि बाप का फरमान है बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इकट्ठे रहते पवित्र रहना है। सर्वशक्तिमान बाप को याद करने और उनकी श्रीमत पर चलने से ही ताकत मिलती है, जिससे तुम माया पर जीत पाकर अटल अखंड सुख शांतिमय राज्य प्राप्त करते हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, देह सहित सबकी याद भूल, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान, स्वयं को बिंदी समझ बिंदी रूप से बाप को याद करो। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सा ज्ञान इस समय बाप से ही तुम्हें मिलता है और कोई दे नहीं सकता? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम स्त्री पुरुष साथ में रहते, गृहस्थ व्यवहार भी संभाल करते, पवित्र रहो। यह ज्ञान अभी इसी समय बाप तुम्हें देते हैं और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकता। तुम्हें दान 5 विकारों का करना है, लेकिन मुख्य है काम, जिस पर पूरी विजय पानी है। सर्वशक्तिमान बाप की याद और श्रीमत पर चलने से ही यह ताकत मिलती है। आज मुरली में गीत बजा, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं, पहला, दिल से बाप को याद कर जायदाद की खुशी में रहना है, पूरा पावन जरूर बनना है। दूसरा, विचार करना है आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कितना अविनाशी पार्ट नुधा हुआ है, बिंदी बन बिंदी बाप की याद में रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया, स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भव। स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भव। स्पष्टीकरण है, चतुर सुजान बच्चे मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल देकर एक का पदम गुणा भाग्य बना लेते हैं। सिर्फ चावल देकर और रिटर्न में सर्व शक्तियाँ सर्व खजाने 36 प्रकार से भी ज्यादा वैरायटी ले लेते हैं। परंतु कई बच्चे वह भी देने के समय सुदामा के मिसल कच्छ अर्थात बगल में छिपा कर रखते हैं। बाप खींच कर ले सकते हैं, लेकिन खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। इसलिए स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेना, यही चतुराई है, इस देने में ही कल्याण है। अर्थात बाबा कहते हैं, स्व इच्छा से जो कार्य करते हैं प्राप्ति उसमें होती है। आज का स्लोगन है, साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा हैं। विशेष सूचना है, इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख से अपने ब्राह्मण वत्सो अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं कुमारियों के सन्मुख 18 जनवरी 1969 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारीज की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा ही नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।